औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। तो जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द सरफेस ऑफ अदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी बिजली की मदद से, रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से किसी एक मेटल पर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाना, ताकि वो मेटल हमारी महफूज हो जाए किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन से, लाइक कोरोजन से। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और आज हमने पढ़ना है कि किस तरह से सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने इस प्रोसीजर के लिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे वी नीड अ बैटरी, ओके। वायर चाहिए होगी कनेक्ट करने के लिए, सिल्वर स्ट्रिप चाहिए, ठीक है। फिर एक सॉल्यूशन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का, जिसके अंदर हमने इनको डिप करना है। और वो कौन सा लेना है? जिसमें सिल्वर होनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो वो सॉल्यूशन होगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट का। और आयरन रॉड होना चाहिए, या यहाँ हमने स्पून यूज करना है, चम्मच, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होना चाहिए, वो शीशे का बना हुआ हो सकता है, लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इसको डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करने लगे इस सारे मटेरियल को। आप देखते रहिएगा, ये हमारे पास एक टैंक है, ओके। इसके अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, और इसके अंदर बेसिकली ये सिल्वर स्ट्रिप और आयरन, ये दो मेटल्स हैं जो हमने यूज करनी है। तो समझ लें कि ये, मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन और बना देता हूं, मुझे ये सिल्वर है, मैंने शो कर दिया सिल्वर को रेड कलर में, और उसे वायर के साथ कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। और ये नेक्स्ट मेरे पास जो है वो एक चम्मच है, ठीक है, आयरन, ओके। ये है एनोड, ये कैथोड है, इसे आप कहेंगे कि ये सिल्वर का रॉड है, ये आयरन स्पून है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, एक इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है जिसके अंदर ये सारा रिएक्शन होना। और ये जो है बैटरी है मेरे पास, और ये वायर हैं जिनके जरिए से हमने इनको कनेक्ट किया है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन होगा, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी के सिल्वर। जैसे ही करंट मिलेगा, सिल्वर ने क्या करना है? आयोनाइज होना है, यानी हर सिल्वर का जो इस पे एटम मौजूद होंगे वो टूटेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और खुद आयंस बन जाएंगे, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से कौन सा रिएक्शन होगा इस पर? ऑक्सीडेशन का। और ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे मूव करेंगे इस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर, साथ ही साथ ये जो सिल्वर आयन हैं वो भी मूव करेंगे इधर उधर पूरे सॉल्यूशन में, और देखते ही देखते ये इसके करीब आ जाएंगे आयरन स्पून के पास। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन होगा कैथोड पर, यानी नेगेटिव चार्ज, यानी के आयरन पर क्या होगा? ये सारा सिल्वर जो है आयन की शक्ल में आयरन पर चला जाएगा, और साथ इसके ये जो इलेक्ट्रॉन निकले वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे, और ये सिल्वर एटम फिर से स्टेबल बन जाएगा।
चूंकि आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो यहां कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह से हमारा इस दोनों रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हुआ है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होने की वजह से ये सिल्वर जो है अब किस पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो गया? आयरन पर। तो देखते ही देखते हैं क्या होगा कि आयरन की सारी सरफेस जो है वो कवर हो जाएगी सिल्वर से। तो बेसिकली हम यही चाहते थे कि इस आयरन पर सिल्वर की लेयर बन जाए, तो वहां से ये जो स्ट्रिप है ये थीन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि सिल्वर वहां से खत्म हो रहा होगा। ये देखिए मैं इसको बिल्कुल जो थीन लेयर बना दी है ये खत्म कर दिया और इस पर सिल्वर की लेयर ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से क्या किया जाता है, किसी एक मेटल को दूसरी मेटल पर डिपोजिट किया जाता है और ये रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में हुआ है। और ये ज्यादातर हमारे जो बर्तन होते हैं, सिल्वर के बर्तन होते हैं, उनके साथ किया जाता है या डिफरेंट टूल्स के साथ ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, ताकि उस आयरन को जंग लगने से बचाया जा सके। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अपरेटस पूछा जाता है, सामान पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा टॉपिक पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने ये एक रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में देख लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी बिजली की मदद से सिल्वर यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ चली गई है। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इंशाल्लाह इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।